Dios. हेलो, हजार काफी है या और भेजो? कौन बोल रहा है? भगवान, डेस्टिनी, जो अब से तेरी तकदीर लिखेगा। भगवान अपने भक्तों से बस ध्यान चाहते हैं। फिलहाल दरवाजा खोलो। ये सब तुम इतने भोले तो नहीं जितना बनने की कोशिश करते हो। मतलब 15 अगस्त को राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली जाएगी, उसमें तुम्हें बॉम्ब रखना है। उस काम के तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे और ये राज भी हमेशा राज रहेगा। ओ हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो, तुम सोच रहे हो तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगा? ये तो और अच्छी बात है, बिना डरे काम करोगे किसी को शक भी नहीं होगा। देखो देखो, मैं वो आदमी नहीं हूं जो पैसों के लिए निर्दोष लोगों की जान लेगा, समझे? उस लड़की को क्यों मारा था? वो भी तो बेगुनाह थी। तब एक को मारा था, अब सैकड़ों को मारोगे। हेलो बॉस, मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम्हारा बाप भी करेगा, और नहीं करोगे तो सीडी की एक कॉपी पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। 15 अगस्त, राजधानी एक्सप्रेस,
शाम 6 बजे। गुड लक, गॉड ब्लेस यू। What happened? Ankit? Yes, sir. Zara bomb sambhaliye. Bhaiya? भैया क्या है ये सब? मैं फंस गया भैया। प्रॉब्लम में तो आप फंस चुके हैं भैया। भाई बचा लो यार। ये बात हम 4 लोगों के अलावा किसी 5वें तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये जो भगवान है इसे मैं देखता हूं भैया, आप बेफिक्र रहिए। जब उसे पता चलेगा कि हमने उसका काम नहीं किया है तो वो आपको कांटेक्ट जरूर करेगा। सर मुझे तो ये किसी टेररिस्ट का प्लान लगता है। मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। हाल फिलहाल मैं भैया का फोन सर्वेलेंस पे डलवा देता हूँ। हाँ। अंकित तो लिस्ट बना और भैया आप उन सब लोगों के नाम बताइए जिन पर आपको शक है। पवन मेरा कलीग, और समीर मेरा बॉस, ये दोनों मिलके मेरा प्रमोशन नहीं होने दे रहे। डॉक्टर प्रशांत, अंकित, हाँ तुम उस दिन मंदिर में क्या कर रहे थे? तुम ये ड्यूटी पे मंदिर में था ब्रिज। भैया आपको मुझ पर शक है? भैया आप रहने दीजिए, हम लिस्ट कल बनाते हैं। पर कोई है जो अपनों में से ही है? इसे हर पल की मेरी हर पल की खबर है। मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं? ब्रिज, जब तक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम यहीं रुक जाओ।
भैया भैया ये डिफ्यूज्ड बॉम्ब है, कुछ नहीं है ये। आप चिंता छोड़ दीजिए भैया, आपको यकीन है मुझ पर? आपको यकीन है ना मुझ पर? है ना? मैं सब संभाल लूंगा भैया, बिलीव मी। आप बस नॉर्मल रहिए और अपने काम पर जाइए। किसी को नहीं लगना चाहिए कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। भैया सुन रहे हैं ना आप? मैं हूं ना भैया। दिव्या, 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 थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। क्यों घबरा रहे हो? सो जाओ, प्रीत सब ठीक कर देगा। I like this bit. दिव्या, चलता हूँ। डरो मत, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चल। आदिनाथ, तूने बहुत दिनों से छुट्टी नहीं ली ना? एक काम कर, तो छुट्टी ले ले। वैसे भी हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। कैसा ये खेल, कैसा ये खिलाड़ी, बिना कुछ सोचे समझे फिजूल में एक प्यादे को मात दे डाली। क्या बोला? कुछ नहीं भाभी। दिल सही कहता है, तू बहुत बदतमीज हो गया। चल जा। अभी जाऊं? हाँ अभी। जय हिंद साहब। चल चल चल, बता दो तुझे। सर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सर इस बार नंदन भैया पर नहीं, बॉडी पर फोकस कीजिए। सर जब नंदन भैया ने ऑक्सीजन मास्क निकाला तो बॉडी ने किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं दिखाई। सर इससे साफ पता चलता है कि रूपाली सिंह पहले ही मर चुकी थी। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने हॉस्पिटल जाके इंक्वायरी की तो पता चला ये रूपाली सिंह नहीं है। सर ये एक लावारिस लाश है जिसको आज तक लेवी नहीं किया गया। और सर ये ठीक दो दिन पहले मर चुकी थी, जबकि ये वीडियो 11 अगस्त को बनाया गया है। ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये देखिए इसका डेथ सर्टिफिकेट।
जी आप फौरन घर पहुंचिए, एक जरूरी काम है, वहीं आकर बात करते हैं। आप निर्दोष हैं भैया। मतलब? जिस लड़की का आपने ऑक्सीजन मास्क हटाया था उसकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है। क्या बात कर रहे हो यार? और वो लड़की रूपाली सिंह भी नहीं थी, उसकी बॉडी तो आज तक क्लेम ही नहीं हुई है। ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है भैया? दिव्या, क्या हुआ? क्या हुआ दिव्या? क्या हुआ? ये बॉम्ब। बॉम्ब? कैसे? क्या हुआ बॉम्ब को? अरे यही तो रखा था, अभी देखा तो यहाँ नहीं है। चाबी भी मेरे हाथ में है, ताला भी नहीं तोड़ा गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब चीजें मेरे हाथ में नहीं रही भैया, मुझे अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप भी फंस सकते हैं। चलो भैया, चलिए। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना, प्रॉमिस आज के बाद कोई तकलीफ नहीं दूंगा। डरो मत, ब्रिज सब ठीक कर देगा। सोच के गलत सही होने से इंसान की तकदीर का फैसला हो जाता है। तुमने गलत सोचा, तुम मेरा काम नहीं करोगे और मैंने तुम्हारी बीवी को अपने पास बुला लिया। उस बेवकूफ को लग रहा था कि एक फोन सर्वलिस में डाल देने से भगवान मिल जाएगा। मुझे मिलना है तुमसे, जो बोलोगे जैसा बोलोगे करूंगा, बस एक बार मिलना। भला किसी ने जीते जी भगवान को देखा है? तुम वो भाग्यशाली हो।
जो जीते जी भगवान के दर्शन करोगे। हमारे दर्शन करना है तो आगरा फोर्ट पहुंच जाओ। धीरज को हेडक्वार्टर भेज सर, उससे बोल जाके साहब को सारी बातें बताए सर, और तू मुझे दूर से फॉलो कर। यस सर। जैसे ही मैं फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा मैं एक रुमाल गिराऊंगा। जी सर। मुझे नहीं लगता ये हरामी इतनी जल्दी मिलेगा। हेलो। बहुत जल्दी पहुंच गए। हाँ। तुम कहाँ हो? तुम नहीं, भगवान को आप कहा जाता है। हाँ, कहाँ हैं आप? इतनी आसानी से मिलना होता तो भगवान भगवान नहीं होता। मतलब? अपना फोन और अपने भाई का फोन गाड़ी में छोड़कर आ जाओ। आगे एक ऑटो खड़ी है 6022, उसमें जाकर बैठ जाओ। सर, ब्रिज सर उनके भाई आगरा फोर्ट से UP80AU 6022 नंबर के ऑटो में बैठ गए हैं सर। ओके सर, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ओके सर। सामने देखो, ब्लैक रंग की एसयूवी खड़ी है, उसमें बैठो और सीधे इंद्रापुरम पहुंचो। ये क्या चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है, सामने आना। अरे बहुत जल्दी थक गए। भगवान को पाना इतना भी आसान नहीं है। धीरज धरो, तभी गिरधारी मिलेंगे। चलो। हेलो हेलो सर, वो आ रहा है सर। रुक 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 रुक, निकल निकल। कहाँ गए दोनों? कौन है इन सबके पीछे? साहब मुझे कुछ नहीं पता। वो जिन्हें तुमने आगरा फोर्ट से बिठाया था, कैसे जानते उन्हें? वो साहब, एक बुरखे वाली औरत ने मुझे पैसे दिए थे और बोली
जो मेरे ऑटो में आकर बैठे उसे मैं अदमत दौलत पर छोड़ दूं साहब, और मुझे ले जाओ, कुछ भी नहीं मालूम। चलो इसे गाड़ी में, चल चल। आखिर तुम मेरी शरण में आ ही गए। वो सामने वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर पहुंचो, भगवान तुम्हें वहीं मिलेंगे। हेलो सर, सर हम इंदिरापुरम के मारुति बिल्डिंग में हैं, फौरन बैकअप भेजिए। मेरी मदद करेंगे? तेरे ले जाना से। किस सिम से कॉल करिएगा? ये अनट्रेसेबल है, हमें एक डेड बॉडी की जरूरत पड़ेगी और कुछ पैसे। सब ठीक कर देगा। ब्रिज बचेगा तब ना। हर इंसान का एक दूसरा चेहरा होता है। जो लोग शरीफ लगते हैं वो बस बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। चेक मेट।
चेक करो इसे। आराम से। यहाँ भी कोई नहीं है। बैठो। क्या हुआ यहाँ? पर वही था जिसका पीछा करते हुए आए थे। अपने आप को भगवान बोलता है सर। ब्रिज सर और ये जिनका पीछा कर रहे थे उनका नाम भगवान ही था। कैसा दिखता था वो? सर चेहरे पे कुछ लगाया हुआ था, कपड़ा सा उसने। हम लोग यहाँ खड़े थे, अचानक से फायर हुआ मेरे यहाँ लगे, मेरा खून निकला। गुल्ली की आवाज सुन के वहां से ब्रिज भागता हुआ है सर। सीता छाती से